Hello guys, my name is Dr. Sagar Chaudhary and I'm a dental surgeon in India. Along with that, I'm a motivational speaker because of your love and your blessings, and I'm highly, highly thankful to each one of you guys. So why I'm here today? I'm here today for the supply students. Those people जिनकी back लगी है, supply लगी है, उनको एक important fact बताना है with the help of one important real life story of my mentor. क्या important fact बताना है? ये important fact बताना है कि supply लगना, back आना, उसके बाद आपका judgment होना with the help of people जो आपको लाइक करते हो या ना लाइक करते हो, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, कोई भी अगर आपको जज कर रहा है, उनकी जो भी जजमेंट है वो प्रेडिक्ट नहीं करती है आपका सक्सेस डेंटिस्ट्री में या लाइफ में. क्या प्रेडिक्ट करता है आपका सक्सेस? गिरना इम्पॉर्टेंट है, गिरना इज ओके, बट गिरने के बाद आप उठे कैसे और किस राह पे चले, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ये प्रेडिक्ट करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा. गाइस, नेगेटिव इमोशंस आर कॉल टू एक्शन एंड पॉजिटिव इमोशंस आर रिवॉर्ड्स फॉर टेकिंग प्रॉपर एक्शन. I'll repeat it because it's important. Negative emotions are a call to action and positive emotions are rewards for taking proper action. आपने आगे action क्या लिया, that is important. Life की story, real life story जो है start करते हैं. मेरे जो mentor हैं उनकी supply आई, supply आने के बाद ना दिल और दिमाग सब टूट जाता है और लोग छूट जाते हैं आपसे, दूर होने लगते हैं. दूर होने लगे लोग, उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने hostel छोड़ दिया क्योंकि hostel में लोग बात नहीं कर रहे थे उनसे, एक कमरे में जाकर रहने लगे, वहाँ बैड हैबिट स्टार्ट हो गई, अकेले रहने की वजह से स्मोकिंग स्टार्ट हो गई. और एक दिन उन्होंने सोचा यार 6 महीने के मैं यही करता रहूंगा, आई एम आई विक्टिम, आई एम ए विनर, ठीक है लोगों ने मुझे छोड़ा है मगर आज मैं अकेला हूँ तो वही सारे लोग मेरे पास वापस आएंगे, मैं उनके पास वापस नहीं जाऊँगा, वही मेरे पास वापस आएंगे. ये उन्होंने अपने से प्रॉमिस किया और कॉल घुमाया अपने कुछ फ्रेंड्स को जो उनसे बात कर रहे थे और बोला यार मुझे बताओ कि ज़रा क्लास में क्या चल रहा है, मैं उस चीज़ को पढ़ूंगा करूंगा. उनको बताया गया कि ऑर्थो की क्लास चल रही है, उसमें अप्लायंस बनाने सिखाए जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला सारे अप्लायंस मेरे पास ले आओ और मुझे एक बार बता दो बनाने कैसे. उन्होंने वो अप्लायंस बनाने शुरू किए, उन्होंने एडम्स क्लास बनाने शुरू किए, उन्होंने वायर बेंडिंग करनी शुरू की और मैं हैरान था कि मैंने उनके क्लिनिक पर जाके एक नहीं दो नहीं करीब 500 क्लास बने हुए देखे. मैंने कहा सर ये कब के रखे हैं? उन्होंने कहा वो उस टाइम पे बनाए थे मैंने. और उसके बाद एग्जाम हुआ, ही वॉज द ओनली गाय हु पास्ड, ही ओनली गाय हु पास्ड द ऑर्थो एग्जाम और जिनके अप्लायंस एक बार में पास हो गए. गाइज, पेन सर्व से पर्पज, और उन्होंने उस पेन का इस्तेमाल किया सही जगह पे. वो चाहते थे वो स्मोकिंग करते रह सकते थे, उसी रूम में पड़े रह सकते थे, पर उन्होंने हॉस्टल वापस ज्वाइन किया. उनको पता था कि मुझे जाना पड़ेगा, वो फेस करना पड़ेगा, I have to face it because life doesn't happen to you guys, it happens for you. वो आपके लिए ही हो रहा है जो हो रहा है. लाइफ का अपना तरीका होता है आपको सिखाने का, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सीखना चाहते हैं कितना नहीं. सो प्लीज प्लीज चेंज योर हैबिट्स. सुबह जल्दी उठिए, वर्कआउट कीजिए, पढ़ाई कीजिए, गेट इन टू इट बिकॉज द क्विकेस्ट वे आउट इज गेटिंग इन टू इट. घुस जाइए उसमें, किसी भी चीज की सप्ली आई है, बैक आई है, कुछ भी हुआ है, सब्जेक्ट में घुसिए जाके. एवरीथिंग विल हैपन, you will succeed, no one can stop you except yourself, please do it and thank you so much. और आपका marketing strategies वाली videos पर मैं work कर रहा हूँ, इतनी सारी हैं वो कि एक एक video मुझे बनानी पड़ेगी, उसमें एक एक marketing strategy एक एक बार में discuss होगी. from the next time onwards I'll start with it. thank you so very much guys for so much of love, I love you all, bye bye.